नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 23 फरवरी को यहां चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी कड़ी में सपा ने सरोजनी नगर की कमान पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा के हाथों में सौंपी है, जिसको लेकर अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा लगातार जनसंपर्क कर रही है, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। चलिए अब आपको सुनाते हैं आगामी चुनाव को लेकर स्वाति मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की तो 23 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर की कमान अभिषेक मिश्रा के हाथ में दी। इस वक्त हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा की पत्नी स्वाति मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आखिर वो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? जनता जो के बीच में हम लोग जैसे जा रहे हैं, यहाँ की जनता 5 साल में बहुत परेशान हो चुकी है। लोग महंगाई से बहुत परेशान है, क्षेत्र में कोई बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है और पिछले 5 साल में लोग बहुत परेशान आ गए हैं। और उससे पहले हमारी समाजवादी सरकार थी, प्रोफेसर मिश्रा उसमें मंत्री रह चुके हैं, उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया था और समाजवादी सरकार ने भी बहुत काम किया था। तो हम लोग मेन मुद्दा ये लेकर जा रहे हैं कि इस बार आप लोग काम के नाम पे वोट करिए, विकास के नाम पे वोट करिए। मैम, प्रदेश स्तर की अगर बात करें और अभिषेक जी खुद एक प्रोफेसर हैं, जिस तरीके से देखा गया शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आ रहे, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल, मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। अभी भी मेरी शिक्षक मंच से बात हो रही थी, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी हमें पूरा समर्थन है, तो हम लोग भी पूरा उनके लिए काम करेंगे। शिक्षक वर्ग तो मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, आई एम लखनऊ में पढ़ाती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कहूँगी हर वर्ग बहुत परेशान है भाजपा सरकार से, बदलाव चाहते हैं। मैम, सरोजनी नगर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं सरोजनी नगर विधानसभा को उत्तम विधानसभा बनाने का काम करूँगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोफेसर मिश्रा जो हैं पिछली बार उत्तरी विधानसभा से थे और उसको उन्होंने उत्तम बना दिया था। और मैं यही कहूँगी, हमारे पास तो एग्जाम्पल है, पिछले 10 साल से प्रोफेसर मिश्रा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने उसको बहुत उस पर काम किया है। उसमें चाहे आप 7 फ्लाईओवर बनाए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगाए, हर क्षेत्र में काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, बहुत सारी ITIs भी बनाई थी और हॉस्पिटल्स पर भी काम किया गया था। तो हम लोगों ने बहुत काम किया था। जहाँ दूसरी तरफ जो आपने बात करी प्रत्याशी की, वो तो एक दिन पहले चुनाव से रिज़ाइन करके आए अधिकारी हैं, उनको तो लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो, तो लोगों से जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सब कह रहे हैं वो तो तानाशाही, उन्होंने हमेशा अधिकारी से कोई नहीं कनेक्ट कर सकता। हम शिक्षक हैं, हम लोगों के बीच के हैं, बीच में 10 साल से हैं, उनके सुख में दुख में हमेशा हम खड़े रहे, तो हम लोगों के बीच के हैं और वो जो है मुझे नहीं लगता उसमें कुछ कर पाएंगे। लगातार बीते दिनों आप लोग सरोजनी नगर विधानसभा में लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मैम, क्या वो प्रमुख समस्याएं हैं सरोजनी नगर विधानसभा की और जीतने के बाद कैसे उन चीज़ों का निस्तारण किया जाए? सबसे मुख्य जो समस्या है यहाँ पे वो है सड़कों की, नालियाँ नहीं बनी हैं तो उसकी वजह से जलभराव की गड्ढे बहुत हैं और सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। ये मानस नगर मतलब पूरा ही एरिया में मैं घूम जा रही हूँ, रोज लोगों से मिल रही हूँ, तो सड़कों की समस्या, नालियों की, जलभराव की। दूसरी जो समस्या है वो है ट्रैफिक की, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उससे भी लोग परेशान हैं। बिजली व्यवस्था भी बहुत ख़राब है, खम्भे नहीं लगे हैं, बिजली आती नहीं है ठीक से, तो हम उसमें ट्रांसफार्मर्स बढ़ाने का काम करेंगे और उस पर काम करेंगे। और एक और जो मैं अहम समस्या है वो है लॉ एंड ऑर्डर की भी यहाँ पे। अभी कल ही मैं तेलीबाग में व्यापारियों से मेरी मीटिंग थी तो उसमें वो लोग बहुत परेशान थे, मतलब ओवरऑल तो व्यापारी वैसे भी परेशान है, 5 साल में महंगाई और GST का धंधा एकदम ख़त्म हो गया है, बट उन्होंने कहा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब है, हर दिन 3 या 4 दुकानों में यहाँ पर डकैती पड़ रही है, तो उस पर उनकी बोती की कैमरा लगे, पुलिसिंग हो, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था को लेकर घेरता नजर आता है और उसको कभी कभी ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लगातार बाहुबलियों को टिकट दिया है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, समाजवादी पार्टी में तो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम किया गया था, जो Dial 100 जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, इन लोगों को बहुत शौक है नाम बदलने का, 112 कर दिया, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हमने बहुत सारे
सारी गाड़ियाँ भी दी थी, लोग जहाँ जगह जगह रात भर में पुलिस की प्रेजेंस थी, उससे बहुत लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया था। और जब से इनकी सरकार आई है वो सारी हमने पुलिसिंग पे जितनी मेहनत और पैसा भी खर्च हुआ था उस पर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई और बर्बाद कर दिया इन्होंने पैसा भी और पुलिस व्यवस्था भी। दूसरी हमने महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक 1090 जो हेल्पलाइन बनाई थी उसको भी हम और शहरों में बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे। भाजपा सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, आए दिन आप पेपर उठा लीजिए और अगर आप डेटा निकालें असली तो लॉ एंड ऑर्डर में इस सरकार में तो बहुत ही बुरी हालत है। जितने केसेस हुए हैं चाहे महिलाओं के खिलाफ हों चाहे लोगों के खिलाफ हों वो हमारी सरकार से कई बहुत ज़्यादा हैं जी। तो ये थी हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था से लेकर चाहे वो विकास का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का हो, तमाम मुद्दों पे लेकर समाजवादी पार्टी काम करेगी। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। औरैया में अछलदा ब्लॉक के रामलीला मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के साथ अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ अमित शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस में पाकिस्तान के आतंकी घुस आते थे लेकिन पीएम की सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद दुनिया को उन्होंने देश की शक्ति दिखाई। इसी के साथ यूपी को गुंडे माफिया और अपराधियों से मुक्त कराया है। चित्रकूट की मऊ विधानसभा सीट से अविनाश चंद्र द्विवेदी भाजपा व अपना दल एस और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं। यहां अविनाश चंद्र द्विवेदी को महिलाओं का भी खूब समर्थन मिल रहा है। महिलाओं ने प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये गरीबों के मसीहा हैं। साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने अपील की है कि हर समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर अविनाश चंद द्विवेदी को विधायक बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारी प्राइम टीवी की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिलाओं ने तेजी से नारे लगाना शुरू कर दिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी के पक्ष में महिलाएं इकट्ठा होकर और सभी जन इकट्ठा होकर उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। सबका यह कहना है कि यह प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी जो है वो जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ महिलाएं एक बड़ी मात्रा में, और महिलाओं का यह भी कहना है कि हर तबके की महिला आकर इस प्रत्याशी को सपोर्ट करे। ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने विकास किया है, जो काम करते हैं। काफी भारी संख्या में महिलाएं भी इकट्ठा हो गई। प्राइम टीवी की टीम के आने के बाद महिलाएं ने नारा लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि विधायक अविनाश चंद द्विवेदी काफी पॉपुलर विधायक हैं, लोगों को इनका भारी समर्थन भी मिल रहा है, लोग इन्हें गरीबों का मसीहा भी बता रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ और अन्य वर्ग के लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता देवानंद हमारे साथ जुड़ेंगे। देवानंद, जिस तरह से अविनाश चंद्र द्विवेदी के फेवर में महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, तो कितने मजबूत प्रत्याशी है वहां से दिख रहे हैं? जी मैम, सतीश चंद्र द्विवेदी के फेवर में काफी लोग वहां पे खड़े हैं, लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना ये है कि ये गरीबों के मसीहा हैं और ये पहले कभी राजनीति में नहीं आए हुए थे, जो कि ये पहली बार आज तक के इतिहास में पहली बार अविनाश चंद्र द्विवेदी राजनीति में आए हैं और आज तक इन्होंने सिर्फ गरीबों की सेवा की है। और जो मऊ मानिकपुर की जनता है, सबसे पीछे देखा जाए एक तरफ से तो इनके पीछे गरीब जनता सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट में इनके खड़ी हुई है अविनाश चंद्र द्विवेदी जी के। और औरतें और गरीब तबके के लोग तो बिल्कुल इनको कह रहे हैं कि हम हर समय 24 घंटा हम लोगों के बीच ये थे और रहे हैं और हम इन लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि अविनाश चंद द्विवेदी जी के सपोर्ट में बहुत लोग हैं, तो क्या पहले से ये लोगों के लिए काम करते आए हैं? क्योंकि लोग जिस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि इन्होंने पहले से वहां की जनता के लिए, वहां के विकास के लिए काफी काम किया है। ये कोई राजनीति लेवल के लिए विकास में या कोई राजनीति से संबंधित कार्य नहीं किए थे पहले, ये सिर्फ अपना इनका निजी व्यवहार था जो ये गरीबों की सेवा में करते आए हैं और करते हैं आज भी। अगर गरीब की समस्या है, गरीब इनसे रोया है, तो इन्होंने गरीबों के लिए जो है जो भी इनसे बन सका है, जो इनके पास व्यवस्था है, वो इनकी सेवा किए हैं ये गरीबों की।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। पूरी दुनिया में राजनीति का केंद्र बने हुए अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाला ताला अलीगढ़ में तैयार हो चुका है। जितना विशाल और सुंदर अयोध्या का राम मंदिर बनने जा रहा है उसी के हिसाब से अलीगढ़ में शिवालकाय ताला तैयार हो गया है, जो कि इन दिनों अलीगढ़ की राजकीय कृषि प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ताले के आकर्षण का केंद्र बनने का कारण उसका वजन और उसका साइज बताया जा रहा है, क्योंकि ताला 400 किलो का है और इसकी लंबाई 10 फीट ऊंची व 6 फीट चौड़ी है। वहीं इस ताले को खोलने वाली चाबी 30 किलोग्राम वजनी और 4 फीट लंबी है। ताले को तैयार करने वाले दंपति के अनुसार इस ताले बनाने में 1 लाख की लागत आई है। दरअसल ताला बनाने के हुनर में माहिर ज्वालापुरी गली नंबर 1 के सत्यप्रकाश शर्मा पहले भी कई बड़े ताले बना चुके हैं और हमारा ये 100 साल से पुराना काम चला आ रहा है और हमने ये ताला जो है अपने हिंदुस्तान का नाम ऑल वर्ल्ड में करने का मेरा विचार था, उसके लिए मैंने ये ताले का मतलब निर्माण किया है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक ताला और बनाया था, वो 300 किलो का था, तो उसमें पूरी ऑल इंडिया की शिकायत आई थी मेरे पास कि ये ताला आपने राम मंदिर के लिए बनाया है, तो मैंने सबसे मना कर दिया था उस समय कि भैया ये तो पार्टी का ताला है, ये तो पार्टी को ही जाएगा और आगे के लिए मैं राम मंदिर के लिए दूसरा ताला का निर्माण करूँगा। तो मैंने इस समय ये हार्ट की पेशेंट होते हुए भी मैंने इस ताले को ये तैयार किया है। इसके खबर बस्ती से है, जहां पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने महादेवा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे विधायक रवि सोनकर से बात की है। विधायक रवि सोनकर ने बताया कि हमारी सरकार ने गरीब किसान से लेकर नौजवान तक सबके लिए काम किया है, जिससे जनता खुश है। युवाओं के लिए यूपी में पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। देखिए बस्ती से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। यहाँ लालगंज क्षेत्र में जो है चौबाहे गांव पड़ता है, यहाँ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के विधायक जो है रवि सोनकर जी। हम इनसे बात करेंगे कि आपकी बार किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप इस अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, 5 साल आप विधायक भी रहे, किस तरीके से आप वोटरों के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो सबसे पहला विजन है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा किए गए जो विकास के काम हैं वो ही हमारा मूल मंत्र है और उसी को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि शायद अभी जिस सड़क से आप आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने महादेवा को एक बड़ी सौगात दी है। महादेवा विधानसभा 3 नदियों से घिरा पड़ा था और लगातार यहाँ बहुत दिनों से पुलों की मांग थी। जैसे हमारा चलरा ठोकवा का पुल है, ये बगल में है, हमारा कछुआरे का है, हमारा रामपुर मिश्र का है, हमारा बैजीपुरवा का है, हमारा सेलरा ठोकवा का। इस तरीके से 5 साल में, जबकि 2 साल इसमें कोविड था, और 5 साल में हमने 5 पुल गतिमान करने का काम महादेवा विधानसभा में किया है। विधायक जी, देखा जाता है खासा जैसे बेरोजगारी का दर जिस तरीके से है ग्राफ है यूपी में, तो आपने युवाओं के रोजगार के लिए क्या कुछ किया है इन 5 सालों में? ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका कि आपने भी देखा होगा कि पहली ऐसी सरकार है जिसने पारदर्शी व्यवस्था लागू की। पारदर्शी व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने यह भी लागू किया कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगा तो उसकी स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। तो इस माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिचौलियों की दीवार थी, जो अटैची और बैग लेके घूमते थे और उन युवाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे कि हम तुम्हारा ये काम करा दें, लेकिन वो सारी व्यवस्था ध्वस्त हुई है, पारदर्शी व्यवस्था लागू हुई है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि युवा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आशा भरी नज़रों से देख रहा है। और जो एक प्रश्न लगातार खड़ा किया जा रहा है वो बगलाया जा रहा है, लोगों को बगलाने की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी तरीके से समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के गांव गरीब किसान मजदूर के लिए वो बहुत लाभकारी हैं। आप समूह को देख सकते हैं, आप किसान सम्मान निधि को देख सकते हैं, आप आयुष्मान भारत को देख सकते हैं, आप ई श्रम कार्ड को देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएँ हैं जो जनता को पहली बार समर्पित की गई, और जो महीने में 2 बार एक राशन गरीब आदमी कहता है ये मोदी जी का है, और दूसरी बार जब वो लेने जाता तो कहता है ये योगी जी का है।
तो पहली बार ये व्यवस्था लागू हुई है कि महीने में दो बार लोगों को राशन दिया जा रहा है, और वो भी इस तरीके से नहीं कि आपका राशन है और उसको कोई बिचौलिया खा लिया। पहली बार है कि आप अपने अंगूठे का, जैसे आप मतदान में अपने अंगूठे का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से जब आप मशीन पर अपने अंगूठे का प्रयोग करेंगे तभी उसका आहरण हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें विधायक जी, कहीं ना कहीं एक मसला है, जैसे विपक्ष आपकी पार्टी को बड़ा अक्सर घिरता रहता है इन मुद्दों पे, जैसे किसानों का मुद्दा है और छुट्टा पशुओं का, इन मुद्दों पे अक्सर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के ऊपर हमला और विपक्ष होता है, उस पर क्या कहेंगे? जरा उस समय की घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यही बगल में एक मुंडरवा एक जगह है जहाँ पे किसान अपनी बातों के लेके एक मीटिंग कर रहे थे, और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन किसानों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया था, और हमारी सरकार ने उसी ज़मीन पे 470 करोड़ की लागत से मुंडरवा चीनी मिल बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आवाज वही चीनी मिल धुआं दे रही है, और उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारी विधानसभा महादेवा को है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी महादेवा की जनता और बस्ती जिले और संपूर्ण उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूँ कि जो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो समूल नाश कर रहे हैं, इसके लिए मैं युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से सबसे अनुरोध करता हूं कि जो 5 साल एक रोड मैप बना था, जो गाड़ी चल रही है, अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आप विश्वास करिए कि ये चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी भी नहीं, ये उड़ेगा मॉडल, और आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा महादेवा बदलेगा, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक मैं निवेदन करता हूँ अपने मतदाताओं से कि इससे जो ये महासमर चल रहा है, लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, इसमें आप बड़े पैमाने पे पहले मतदान करें पूरे परिवार के साथ, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, और आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन पे मोहर दबा के भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं उसको सीधे हम जमीन पर ले आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से 5 साल अनवरत रूप से गतिमान रही, तो आपने जनता से भी अपील किया पुनः उसी तरीके से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सभी वादे अधूरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो वादे किसानों के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में किया था, उनका वादों में एक भी वादा रहा ही नहीं गया। सकारात्मक वादा किया था छोटे किसानों का लोन माफ किए जाने का, लेकिन सिर्फ 44 लाख लोग माफ किया। गोरखपुर में मोटरसाइकिल मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां पर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ब्लू कमांडो यातायात नियंत्रण इकाई के मोटरसाइकिल दस्ता को रवाना किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने इस दस्ते का नेतृत्व किया और मोटरसाइकिल में बैठकर ब्लू कमांडो दस्ते को आगे ले गए। ये रैली विजय चौराहे पर सम्पन्न हुई। ब्लू कमांडो गोरखपुर, आज हमारी पूरी टीम ने गोरखपुर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें एडीएम विद श्री राजेश सिंह जी साथ में थे, और जागरूक करने के लिए हम लोगों ने किया कि 70% कम से कम मतदान हो और अधिक से अधिक जितना भी हो सके। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हम इस समय विधानसभा 322 के जो हमारा महाप्रबंधक जीएम रेलवेज हैं या रेलवे के परिसर के आसपास हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा 322 में 2017 में जो न्यूनतम पोलिंग हुई थी लगभग 30%, वो इन जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, इन परिसरों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे 30% लोग ही बाहर निकले पिछली बार अपने पोलिंग करने के लिए। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने पर एकत्रित हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने जमकर डीएसपी के विरुद्ध नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया गया। भाजपा नेताओं ने डीएसपी पर अपने एक कार्यकर्ता के विरुद्ध बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसी के साथ संगठन के लोगों ने माफी मांगने की बात कही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक के महानगर उपाध्यक्ष की गाड़ी के कागज चेक करने के दौरान डीएसपी ने बदसलूकी की है और कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हुए थाने में बंद किया था।
जी क्या समस्या थी कि दो धाने का किया आपने? कल देर रात एक घटना घटी, जो मेरे महानगर के उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में, वो डेलीगेट की तरफ से गुलर रोड आ रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका सीओ सेकंड मोहसिन साहब ने, और रोकने के बाद उससे पेपर वगैरह मांगे, पेपर उसने दिखा दिए। उसके बाद सिर्फ ये कहा उसने कि मोहसिन भाई, सिर्फ इतना ही कहने पर सीओ सेकंड साहब ने उसको लठिया दिया, बहुत बुरी तरीके से रोड पर ही मारा और जीप में डाल करके ले आए। उसी के विरोध को देख करते हुए यहाँ पर आज थाना बन्ना देवी घेरा, और हमने अपनी मांग रखी थी कि हमारे महानगर का जो उपाध्यक्ष है आमिर जैदी, उससे सीओ सेकंड साहब माफ़ी मांगे, वो उन्होंने माफ़ी मांगी है, और इसी के उसमें हमने धरने को समाप्त किया। वहीं गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर अवैध कछुए की तस्कर का पर्दाफाश करते हुए बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। जीआरपी, आरपीएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम ने आगामी चुनाव के मद्देनजर रूटीन चेकिंग के दौरान लगभग 450 कछुए बरामद किए। टीम ने खुलासा करते हुए बताया कि इन कछुओं को अलग अलग बोरियों में भरकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर से कोलकाता ले जाने की फिराक में तस्कर थे। पकड़ा गया अभियुक्त सुल्तानपुर का रहने वाला है। अधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा ने बताया कि इन कछुओं को रेस्क्यू कर लिया गया और वन विभाग की टीम को सौंप दिया जाएगा ताकि आगे उनके जीवन में संकट ना हो। वहीं कछुओं के इतने बड़े जखीरे को बरामद करके पुलिस इसके सरगना की तलाश में जुट गई है। आज सुबह इंस्पेक्टर गोरखपुर, जीआरपी और उनकी टीम ने अपने रूटीन तलाशी के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस में जाने की तैयारी कर रहे एक युवक को कई बोरों के साथ पकड़ा। उन बोरों की तलाशी लेने पर उन्हें लगभग उन्हें काउंटिंग करने पर 426 छोटे कछुए बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि इन कछुओं को वो ले करके पश्चिम बंगाल जा रहा था, जहाँ जाके वहाँ के मार्केट में ये कछुओं को 200 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देगा और अपना फ़ायदा कमाएगा। और इस संबंध में इंस्पेक्टर गोरखपुर के स्तर से वन विभाग को इन्फॉर्म कर दिया गया। उनकी टीम भी अभी आ रही होगी, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं हम, मुकदमा लिख के। देवरिया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामगुलाब टोला में खेलकूद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। युवक को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश जारी है। बांदा में सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर हो गई है। वहीं हादसे में ऑटो ड्राइवर सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत का है। आज सुबह 8:30 बजे उधर से एक ऑटो आ रहा था बांदा पुरवा की तरफ से नगर के लिए, और इधर से एक ट्रक जा रही थी। ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी है, जिसमें उसमें सवार ड्राइवर सहित कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको चिकित्सा के उपरांत कानपुर के लिए रेफर किया गया है। थाना कोतवाली नगर पर इस संदर्भ में जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कुल कितने लोग घायल हैं सर? कुल 8 लोग घायल हैं, जो सभी गिरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।